हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं चाय सुट्टा बार में। देख लीजिए आप कितनी बारिश पड़ रही है यहाँ पर दोस्तों। शाम के 6:30 बज रहे हैं यहाँ पर और हम बारिश में भी व्लॉग कर रहे हैं, देख लीजिए आप। और सारी वीडियोस टोपी में क्यों, ये क्वेश्चन होगा आपका ना। तो गाइस सारी व्लॉग्स टोपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गाइस देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग जो है आज आए हैं चाय सुट्टा बार में चाय पीने के लिए। ठंड ज़्यादा थी, बारिश हो रही थी, घर में हम हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा चलो चलते हैं चाय सुट्टा बार और पीते हैं यहाँ की चाय। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है ये, क्यों फेमस है ये, लेट्स गो। की लोकेशन देख लीजिए, सामने है राजपुर रोड, सामने देख लीजिए आप बिल्कुल घंटाघर। गाइस यहाँ पर ये है फूड एंड एंटरटेनमेंट सिटी, देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, शॉप खुल रखी है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ की चाय सुट्टा बार की चाय पीजिए। कुमार स्वीट शॉप भी है यहाँ पर, देख लीजिए आप, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर देहरादून में। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर से आप आना। और गाइस यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने चाय सुट्टा बार की चाय ना पी हो। तो यहाँ का मैं दिखाऊँगा आपको रेट क्या है, चाय की रेट देख लीजिए। भाई सबसे फेमस कौन सी है यहाँ पर, चॉकलेट चाय यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। कौन सी आ गाइज यहाँ की जो फेमस चाय थी वही हमने ली है, चॉकलेट चाय। टेस्ट तो नॉर्मली है वैसे, अच्छा है टेस्ट गाइज। यार हो गया ठंड में चाय के अलावा और क्या चाहिए आपको, एक चाय मिल जाए एक साथ में, एक और गर्लफ्रेंड तो हमारे पास है नहीं, हम तो चाय के सारे ही जी रहे हैं। अरे गाइज यहाँ पर चॉकलेट चाय फेमस थी तो चॉकलेट चाय हमने पी लिया, अब हम पान चाय पी रहे हैं। पान चाय भी टेस्टी है वैसे तो, पान का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है यहाँ पर, अच्छा है वैसे। तो गाइस दिखा चुका हूँ मैं आपको पूरा चाय सुट्टा बार का। यहाँ पर हमने दो चाय ट्राई की थी, चॉकलेट चाय और पान चाय, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, ठीक ठाक था मतलब। गाइस यहाँ पर ज़रूर से आइए, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।